अपन सर्वप्रथम एक परमेश्वराला प्रणाम करूया। भगवान भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल वर्धमान नगर नागपुर नागपुर वती बाबा आदेशा प्रमाण आज एक भगवंता हवन कार्य आ चर्चा बैठक यठिका सुरू है। बैठकी मधे स्वयं शक्तिशाली भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, माझा प्रणाम। तसेज आपल्या सर्वांचे सद्गुरु व मानव धर्माचे संस्थापक महानत्यागी बाबा जुंदेवजी सुद्धा ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांना माझा प्रणाम। तसेज आपल्या सर्वांच्या मातोश्री आई वाराणसी या सुद्धा ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांना माझा प्रणाम। त्याचप्रमाणे मंचकर उपस्थित आजच्या बैठकीचे अध्यक्ष महोदय आमचे मोठे बंधू आदरणीय राजन काटेकर भाऊ यांना सुद्धा माझा नमस्कार। त्याचप्रमाणे आजच्या बैठकीचे उपाध्यक्ष आदरणीय लिल्लारे सर यांना सुद्धा माझा नमस्कार। त्याचप्रमाणे मंचकर उपस्थित मानव धर्म या पुस्तकीचे लेखक आदरणीय शेळके साहेब बाळूजी शेळके, मंचकावर उपस्थित आदरणीय रामकृष्णजी इलमे, मंचकावर उपस्थित या आपल्या मार्गदर्शिका आदरणीय इलमेताई, त्याचप्रमाणे मंचकावर उपस्थित आमचे बंधू रवी भाऊ, त्याचप्रमाणे मंचकावर उपस्थित आदरणीय महाकाळकरजी फोटेजी, त्याचप्रमाणे प्रामुख्याने उपस्थित आमचे अशोक भाऊ, अशोकजी भगत, राजेश भाऊ, त्याचप्रमाणे या ठिकाणी आमचे मामाजी रामचंद्रजी भोयर, हरिकिशनजी भोयर, या ठिकाणी आमचे सर्व सेवक सेविका बालमित्र आपल्या सर्वांना माझा नमस्कार नमस्कार। आज एक शुभ घड़ी होती है जहाँ पे हम भगवान की चर्चा करते हैं, और ये भगवान की चर्चा भगवान का सत्संग जहाँ होता है कहा जाता है कि देवी देवता भी तरसते हैं कि ये भगवत कृपा उनको भी सुनने को नहीं मिलती। स्वर्ग मिल जाए लेकिन ये भगवत कृपा सुनने का मौका मिले, और ये सुनते सुनते इसको समझना और समझते समझते इसको अनुभव करना, और जैसे भगत भाव ने कहा कि इसको जीवन में लाना, इसको अनुभव करना, परिवार में व्यवहार में जीव काफ़ी समय बीत जाता है ना। मैं भी बचपन से ही इस कृपा से संबंधित हूँ, भगवान से गुण हमने देखे हैं बचपन से, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ा जब 1994 में बाबा यहाँ पे आए थे और मैं भी किसी के साथ यहाँ पे आया था, पूरा भंडारा जिला, उस समय गोंदिया अलग नहीं था, भंडारा गोंदिया पूरा मिल के था, और 1994 में मैं जब यहाँ पे आया गणेश स्कूल से लेते हुए गांधी स्कूल तक बाबा का रैली निकली थी और बाबा रथ के ऊपर बैठे थे और इतने बार जयघोष हो रहा था, इतने बार जयघोष हो रहा था, और बाबा ऐसे हाथ जोड़ते हुए सबसे नमस्कार करते हुए वो रैली जा रहे थे। मैं इतना प्रभावित हुआ और मुझे ऐसा लगा कि ये सही जीवन है, ये सही जीवन है, ऐसा जीवन भाग्य से मिलता होगा ना, जन्म लेना पड़ता होगा, और मैं बहुत प्रभावित हुआ। और कुछ ही दिन के बाद मेरी दीदी है बेला में, मैं हम उनके यहाँ पे गए और कुछ ही दिन के बाद बेला में दौड़ा था, तो मैं वहीं पे था, तो बाबा की रहने की व्यवस्था मेरे दीदी के यहाँ की गई थी, और वो दीदी का नया ही घर बना हुआ था, लेकिन संडास नहीं था, क्योंकि उस समय पहले घर बांधते थे, संडास नहीं बांधते थे, क्योंकि बाहर जाते थे डब्बा लेके, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं था। तो वो बाबा आने वाले करके उसकी बड़े जल्दी जल्दी जल्दी, और वो मकान हमारे मामा जी रामचंद्र जी भोयर इन्होंने बांध के दिया था उनका मकान, तो वो एक इस प्रकार से वो था, और मैं रहा देख रहा था, प्रभावित हुआ था बाबा से और नज़दीक से देखने की। और बाबा आए घर में दीदी के, फिर वो पारदी जी जिनका भी देहांत हुआ,
उपाय निकाल देती है, बाबा के सेवा में रहते थे और मैं नजदीक में बैठे सब देखता था। बाबा की सोने की व्यवस्था हुई, मैं भी नीचे में सोआ, मैं कहीं रात तक बाबा को देखते रहा। बाबा सवेरे उठे, वही विनती किया जैसे हम करते हैं, ठीक है ना, जो विनती हम बोलते हैं बाबा भी वही विनती बोलते हैं। बाबा नहाए, गर्म पानी किया गया, वो बड़े नजदीक से देखा। सवेरे फिर सब होने के बाद बाबा ने सबको बुलाया, मुझे भी बुलाया कि ये कौन है। मैंने भी अपना नाम बताया, बाबा ने भी मेरा हाथ पकड़ा, मुझे पूछा, मैंने देखा। उसके बाद दौरा हुआ, यानी उसके बाद दोपहर को बाबा का मार्गदर्शन हुआ। एक बाई घूमते हुए आई, कहाँ से आई मालूम नहीं, किसी सेवक को बाबा ने बोला कि इनको फूक मार दो, वो बाई गिर गई और अच्छी हो गई। तो है ठीक है, यहाँ तक देखा, लेकिन मैं बहुत प्रभावित हुआ इन सारी चीज़ों से। हाँ, उसके पहले भी बाबा के दौरे देखा मैंने, ढोरवाड़ा में देखा, मेरे गांव में एक निम्बारती जी करके है, उनके आंगन में, क्योंकि बाजार में उनका घर था तो वहाँ दौरे। लेकिन हम लोग खेलते रहते थे, बाबा बोलते रहते थे। लेकिन यहाँ का जो मैं आपको मुद्दा बता रहा हूँ कि ये बहुत ही, मैं अपने जीवन में जितना ज़्यादा प्रभावित वहाँ से हुआ, और मुझे ऐसा लगा कि ये सही एक रास्ता है भगवान का और ये सही जीवन है। और फिर हमने भी संकल्प किया कि इसको पकड़ना है, लेकिन कुछ भी मालूम नहीं था कैसे पकड़ना, क्या करना, क्या करना पड़ता है। ठीक है, तो भगत दादा ने दो बोला कि ये रास्ता चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, लेकिन जो बाबा ने लाइन बताई वो तीन चार चीज़ें हमें ध्यान में रखना है। जो मैंने रखा वो अनुभव मैं आपको बताता हूँ। मानव मंदिर सजाना, इसमें सब कुछ है, ठीक है ना। मानव मंदिर सजाना मतलब ये मैं, मेरे बारे में, मेरा ये मानव मंदिर सजाना है ना, मानव मंदिर सजाना, ठीक है। क्योंकि बाबा ने भगवान जैसे ये धरती है ना, ये धरती है, ये किसने बनाया, भगवान ने बनाया है ना। बाबा कहते हैं कि ये धरती ना तेरी है ना मेरी है, बोले ये धरती भगवान की है, बोले ये धरती भगवान ने बनाया, वैसे ये शरीर बनाया और इस शरीर के अंदर में आत्मा और आत्मा के अंदर परमात्मा, यानी परमात्मा का ये मंदिर है। ये परमात्मा का क्या है, मंदिर है। मुसलमान इसको मस्जिद बोल सकते हैं, इसको कोई गिरजाघर बोल सकता है, जो भी बोलना है, लेकिन ये वो है जहाँ पे परमात्मा रहता, जहाँ खुदा रहता। ये ताली में मंजिल है, तू मंजिल किधर देखता है, दिली तेरा मंजिल है, तू अपनी दिल की ओर देख। अरे बालों को सवारा तो क्या सवारा है, बालों को सवारा तो क्या सवारा, क्रीम लगाया तो क्या लगाया, कितनी बार पूजा किया तो क्या किया है ना, कितना कुछ भी किया, कितना धन कमा ले तो क्या किया है ना, तू अपने दिल को सवार ले। इसको काफी समय लगता है और उनको तो और ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि संसार भी है, समाज है, परिवार है, यहाँ पे इल्मेताई है ना। इल्मेताई को मैं काफी सालों से जानता हूँ और बहुत कम है, डेढ़ ज़्यादा मार्गदर्शक देखा मैंने अपने लाइफ में, मार्गदर्शक मार्गदर्शी का बहुत कम है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो पेशेंस एक स्त्री में होता है, चाहे इल्मेताई हो या आप हो, स्त्री को भगवान ने एक अलग गुण दिया, ज़्यादा का गुण दिया है, कौन सा मालूम है, पेशेंस, सहनशीलता। अपने आप पहचानो अपनी ताकत को, आपके अंदर में सहनशीलता नाम की चीज बहुत ज्यादा दिया है, प्रेम कुटकुट के दिया है, भाव कुटकुट को दिया है। जैसे अभी भगत भाव ने बोला कि मैं भाव आया, मुझे ये करना है, मुझे वहां पहुंचना है, बरही मुझे ये जगह मिलनी चाहिए, भाव किया कि वैसा होता है। और ये सबके साथ में होता है, एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान। लेकिन एक होती है दूरदृष्टि और एक होती है दिव्य दृष्टि, ठीक है, एक होती है दिव्य दृष्टि। बाबा के पास दिव्य दृष्टि थी, एक होता है भाव करना और घटना घटित होना, एक होता है पहले ही चीजें दिखना। जैसे जैसे बाबा ने बताया निरंतर बैठक में कि घरवाले सुन लो, इस परिवार में एक बच्चे का जन्म होने वाला है, बोले, लेकिन उसका आयु 3 महीने रहेगा, बोले, कितने महीने रहेगा, 3 महीने ही, बाबा ने पहले ही बता दिया, ठीक है, पहले ही बता दिया। अभी कोई एक बाबा अपने आए थे ना, अपने नागपुर, इधर कहाँ आए थे, है ना, हाँ, मोवाड़ी में आए थे। तो उनके पास दूरदृष्टि थी, दिव्य दृष्टि अलग चीज होती है, दिव्य दृष्टि में बड़ी नम्रता होती है, दिव्य दृष्टि में अलग भाव होता है, दृष्टि दिव्य दृष्टि में डायरेक्ट दूसरे की आत्मा से कनेक्ट होता है, दिव्य दृष्टि में परमात्मा से कनेक्शन होता है।
और वो दृष्टि, वो दिव्य दृष्टि बाबा के पास थी। दूरदृष्टि की बात नहीं कर रहा मैं, दिव्य दृष्टि की बात कर रहा हूँ। और इसलिए बाबा ने मंडल बनाया तो अपना नाम नहीं है ना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इल्मे ताई का जो पेशेंस मैंने देखा काफी सालों से, तकलीफें मुश्किलें भंडारा में कम नहीं आई होंगी, आई होंगी ना, बहुत तकलीफें मुश्किलें आई होंगी। और एक स्त्री होने के बावजूद परिवार को संभालते हुए है। जैसे अभी एक सेवक भाव आए है ना, उनको बोले कि मैं घर से आता हूँ, उन्होंने बड़े प्यार से बोला हाँ जाओ और आ जाओ, ठीक है। ये जो प्यार है, ये जो सहनशीलता है, ये जो समरसता है, सेवक को समझना है ना, सेवक को समझना और उनको समय देना, उनके साथ रहना, परिवार चलाना। उस समय ये सब लोग छोटे होंगे, सूर्यकांत भाव और ये सारे लोग तो उस समय है ना, अभी परिस्थिति अलग है। तो इस प्रकार से ये परमात्मा को भी संभालना, संसार भी चलना, फिर कई बार झगड़ा भी होता है, बीवी को संभालो, अभी तो धन की है, धन में परिवार में थोड़ी गड़बड़ होता है तो दिमाग खराब हो जाता है। और सिर्फ आदमी का दिमाग खराब नहीं होता, बीवी का दिमाग खराब होता है, आदमी का दिमाग खराब होता है। और जितने भी परिवार में झगड़े होते हैं वो धन को ही कारण होते हैं, क्या लगता है आपको है ना, धन के ही कारण होते हैं। बोले तुमको अकल नहीं, हम बीवी बोलते हैं तुमको तो बिल्कुल अकल नहीं है, मैं वो तो अच्छी हो तेरी जिंदगी कर रहा हूँ, कर रही हूँ, बोले। तो ये हम जय कई बार ऐसा हम बोलते हैं, देखो मेरे भी घर में होता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कोई हम कोई दूसरे ग्रह से नहीं आए हैं, सबके घर में ऐसा होता है। और ऐसे ऐसे भाव में बीवी पति को बोल रही है, ऐसे भाव में आपकी दृष्टि भगवान के तरफ है, बोले नहीं, आपकी दृष्टि भगवान के तरफ है। आप गाड़ी चला रहे हो और आपकी दृष्टि भगवान के तरफ है, आप पढ़ाई कर रहे हो और आपकी दृष्टि भगवान की तरफ है, आप बोल रहे हो और आपकी दृष्टि भगवान की तरफ है। और ये दृष्टि को बनाने के लिए बाबा ने हमें सवेरे की विनती दिया। सवेरे की विनती इसी मी को मारने के लिए होती है, ये सुबह की विनती बार बार मी को मारनी, मी जब तक हटेगा नहीं दृष्टि भगवान की तरफ नहीं होगी, क्योंकि ये मी बड़ा खतरनाक है, हा? इतने जैसा खतरनाक संसार में कोई चीज है ही नहीं, ये मी इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है। और उसमें भी मानव प्राणी को बुद्धि दिया, विचार दिया, बड़ी खतरनाक। वो कई लोगों को देव बनाए, बाबा को भी लगा जैसे हम थे बाबा बोलते, जैसे आप थे बोले वैसे मैं भी था बोले। तो जब बाबा खो गए, बाबा जब खो गए 25 अगस्त 1948 में जब बाबा खो गए रंगारी सब, और इस मार्ग में हवन का बड़ा महत्व है, रंगारी समाज के भाई के गाल का जो मांस है वो भर के आया 42वें दिन में 43वें दिन में और घूम के आए। तो हनुमान जी ने बोला, बाबा ने बोला कि भाई ऐसे कौन सी संसार में शक्ति है, तो बाबा हनुमान जी ने बोला हवन करना पड़ेगा 5 दिन है ना। और 5वें दिन बाबा का ब्रह्मांड चढ़ा, जिसको हम भगवान की प्राप्ति बोलते। सारे देवी देवताओं ने परिचय दिया और यही कहा कि हम मानव थे लेकिन इंसान बड़ा चतुर है, हमको भगवान बना दिया है, बोले कि और ये ऐसा स्वभाव है आदमी का, तुम्हारे घर में 2 बेटी है और जिसको सब काम करना आता है, और एक बेटी उसको कुछ भी काम बताओ मुझे नहीं करने आता, बहू भी हो सकती, 2 बहू है उसको कुछ भी काम बताओ, मीना के लिए पापा मैं माइचा कर इधर भंडारा बोलते हैं, अगर ऐसा बोला ऐसा हाथ खड़ा किया तो आप भी ठंडे, अभी कुछ नहीं कर सकते, बोले अगर ऐसा किसी ने बोला मुझे नहीं आता हाथ ही खड़े कर दिया, आप क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही हमने क्या किया, ये सारे लोगों को भगवान, इन्होंने कभी नहीं बोला, गौतम बुद्ध ने बोला अपन दीपक भव आपका खुद का प्रकाश आप बोलो, बाबा ने भी बोला अच्छा हुआ, बाबा ने बोला मेरे फोटो को हाथ मत डालो, मेरे पैर मत पोड़ो, बाबा ने तो बहुत हर समय उंगली इधर ही दिखाया, बोले भगवान है मेरे ऊपर, भगवान ही चलता है बोले, और मैंने भगवान के ऊपर किसको चलाया, सेवकों के ऊपर किसको चलाया बोले, मैंने भगवान को ही चलाया बोले। तो बाबा ने जो दृष्टि भगवान के तरफ दिया, भगवान के दृष्टि, लेकिन इंसान क्या करता है, बाबा को ही कई बार भगवान बना लेता है, बाबा आए मंदे अरे बहुत ऊपर आए ना, तू भी तो है, हर बार बाबा की तरफ उंगली, हाँ मेरे बाबा देख लेंगे, भाई तू तो देख पहले अपने आप को, अपने आप को तो झांक के दे, बाबा तो देख ही रहे, लेकिन तुझे भी तो जागना पड़ेगा, ए सेवक तू जागता बोले तूफान आने वाला है, जो जागेगा सो पाएगा बोले, और जो सोएगा वो नींद होएगा, इसलिए हमें जागना है, बाबा तो देख ही रहे नो डाउट, लेकिन बाबा देख रहे हैं ये भी तो हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, अरे बाबा देख रहे हैं ये भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा। आपके जेब में 1,00,000 रुपया है, चुपचाप मैंने रख दिया, ठीक है, अगर आपको मालूम ही नहीं तो आप ऐसे ही रहेंगे, बोले कोई टेंशन नहीं 1 भी रुपया नहीं अपने जेब में, लेकिन जैसे आपको पता चला 1,00,000 रुपया है तो क्या करेंगे आप, 10 बार हाथ को है क्या नहीं बरोबर है ना,
वो पैसे है, वैसे भगवान है, वो 24 घंटे देख रहा है। तो ये बात हमें समझ में आना चाहिए, सेवकिन भाई हो, सेवक भाव हो, बच्चा हो, सबको ये, सबको ये दृष्टि हमें मिलना है। और ये दृष्टि मांगो भगवान से कि भाई तू मुझे याद रहना चाहिए। देखो ये मैं आपको इतने बताता हूँ कि ये मैं करता हूँ, मैं अपने बच्चों को भी दिन भर वही बोलता हूँ। मेरी बेटी जब आती है तो वो बोलती है पप्पा मैंने 2 विकेट लिया है। मैंने मैं बोला बेटी तूने जितने भी बॉल डाले भगवान तेरे सामने था क्या, ना दृष्टि तेरी थी क्या? काम जरूर कर तू, हसी बो खेली बो धरी बो ध्यान अहर नीस कती बो आत्मज्ञान, क्योंकि अहंकार एक दारू से भी खतरनाक है, ठीक है ना। अहंकार दारू से भी नशा दो है, ये पद की नशा, क्योंकि इस मार्ग में आने के बाद या सिवा अनेक वाइट पैशन, इस पे भी ध्यान देना है। हमने शराब तो छोड़ी है लेकिन पद की नशा कितनी खतरनाक है। बोले मैं अध्यक्ष हूँ मंडल का अध्यक्ष, तो ये जो नशा है, नशा, ये नशा भी तो शराब से कोई कम नहीं है। ये नशा से आदमी खाली हो जाता है, इसलिए 5 नियम भी हमें भगवान की ओर लेके जाते हैं, 4 तत्व भी भगवान की ओर लेके जाते हैं, 3 शब्द तो भगवान के समान बना देते हैं। बाबा ने इन 3 शब्दों को 3 कदम बोला है, वामन अवतार जो लिया है भगवान ने, और बड़ी राजा को बोले तू मुझे तेरे 3 कदम, क्योंकि बड़ी राजा को ऐसा लगता है धरती मेरी थे, बोल मैं इतना दान शुरू किधर ही मांगो, इतना अहंकार हुआ था। तो भगवान ने वामन अवतार लिया और बोले मुझे कुछ नहीं, मुझे सिर्फ 3 कदम जगा दे दो, बोले है ना 3 कदम जगा दे दो बोले। तो इसको लगा बड़ी राजा को ये क्या बड़ी बात है, बोले किधर से भी ले लो 3 कदम, अपना ये पूरी धरती है। तो उन्होंने 1 कदम रखा तो पूरी धरती छा गई, पूरे धरती पे 1 ही पैर, और दूसरा पैर रखा पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में। अभी वामन वो अवतार है वो बोलते हैं कि अभी 3रा कदम कहाँ रखूं, तो बड़े राजा बोलते मेरे को समझ में ही नहीं आया, बोले कि ये बड़े इतने बड़े तुम्हारे पैर है करके ना, ये मार्ग ये तत्व शब्द नियम को बहुत छोटे से लगते हैं ना, इतने छोटे से, लेकिन इतनी गहराई, इतनी गहराई, इतनी गहराई, इतनी गहराई कि सेवक तू वचन दे मरने का, मैं अमृत की वर्षा कर दूं, तू वचन दे तत्व शब्द नियम पर चलने का, मैं तेरे आत्मा में परमात्मा का रस भर दूं, इतनी ताकत है। और 3 कदम वही है जो वामन सतयुग में हुए, सत्य मर्यादा और प्रेम, ये 3 कदम आज हमारे जीवन में और सारे युग में। देखो ये धरती संकट का नाम है, संकट का दूसरा नाम धरती है, क्या है दूसरा? बाबा बोलते थे हम जन्म लिए फांसा लेके ही जन्म लिया बोले, और ऐसा नहीं कि राम के जन्म में उस समय समस्या ही नहीं थी, उनसे हमसे ज्यादा समस्या थी। कृष्ण के जीवन में कितने समस्या थी, अभी गौतम बुद्ध के जब देखो उनको भी धर्म में लिखा है झूठ बोलना, शराब नहीं पीना, ये सारे बंधन उधर भी है, उधर भी है, पल पल में है, जब जब युग बदलेगा तब तब ये बंधन थे। तो ऐसा नहीं कि उस समय भी संकट नहीं थे। अपन कई बार बोलते कि सतयुग में सारे देवी थे, भाई उस समय भी प्रॉब्लम थे, बरोबर है। वो साधु संत क्या वो दिखते ना अपने महाभारत रामायण में कि वो अपने समाधि में लगते थे और वो इंद्र मेनका भेजता था, बरोबर है ना। तो मेनका भेजता था उनकी समाधि फिर ये हो जाती थी। तो इस प्रकार से सारे संकट, सारे प्रॉब्लम, सारे तकलीफें पल पल में, ये हमें समझना है। इस मार्ग में आने के बाद भी तकलीफें हैं, मुश्किलें हैं, जैसे मैंने कहा कि जितने भी लोग हैं, चाहे काटेकर भाव रहे, चाहे लीला जी रहे, चाहे बाड़ू जी सेठ के, उन्होंने किताब लिखा, उस समय उनको कितनी तकलीफ परेशानी हुई होगी, काफी चर्चा, काफी डिस्कस, काफी नियम, और बाबा के साथ बैठना, इस प्रकाश के साथ बैठना जो प्रकाश ही प्रकाश है। देखो अंधेरे में बैठना बहुत आसान है लेकिन उजाले में बैठना और भी ज्यादा मुश्किल होता है। तो उस बाबा के साथ बैठ के उन चीजों को समझना और लिखना, और उसके बाद वो अपना पूरा जीवन इस उम्र में भी प्रचार प्रसार में अपना करते हैं, यानी समय देते हैं इस उम्र में भी। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये जो दैवी शक्ति है, ये चैतन्य में सबने कहा है, इसको समझना, बार बार याद रखना, और इतना सुंदर मार्ग है, बहुत आसान लेकिन समझना नहीं अनुभूति वाला है। इसको सिर्फ समझने से नहीं होगा, समझने के आगे जाओ, सिर्फ शरीर तक नहीं रुकना है, शरीर के आगे भी और मन है, सिर्फ मन तक नहीं रुकना है। देखो आपने मांगा और आपके शरीर को जो जो मांगा आपने शरीर के लिए मांगा, भगवान मेरी बच्ची ड्यूटी पे लगना चाहिए, मेरा बच्चा ड्यूटी पे लगना चाहिए, बरोबर है ना, या तो शरीर के लिए हो सकता है तो मन को समाधान मिलता है, लेकिन शरीर और मन के आगे भी आत्मा है और आत्मा के आगे भी परमात्मा है। और यहाँ बात हो रही परमात्मा की, तो मानव मंदिर सजाना
और उसके आगे बाबा ने बताया एक लक्ष्य एक चित्त एक भगवान, ये दूसरा शब्द हमें ध्यान में रखना है ना। बहुत ज्ञान है ये, और ज्ञान याद मत रखो आप, ज्ञान याद रखने से इतना ही होगा कि आप इधर मुझे सुन के दूसरे बैठक में ला के आग भी बोलेंगे। एक सेवक मुझे मिला, धांडे जी बोले आगे कागज पे लिख के दो, मैं भी ऐसा बोलता हूँ, बोले टनाटन बोले, ठीक है। मैंने बोला ठीक है भाई लिख लेना, अभी क्या बोलूँ मैं उसको, ठीक है। तो ये कोई ऐसा याद करना, किताब में पढ़ना, हमें वेद पुराण कुरान से क्या, हमें सत्य का पाठ पढ़ा दे कोई, हमें मंदिर मस्जिद जाना नहीं, हमें प्रेम का रंग चखा दे कोई। ये प्रेम में रंगने वाला मार्ग है, मीरा की तरह, बुद्ध की तरह है ना, महावीर की तरह, बाबा जुनदेव जी की तरह, ये ड्रामा ये नाटक ये रोल ये पात्र, कृपा तो बरस रही है, मार्ग रास्ता बीच मार्ग में आने के पहले भी कृपा थी, लेकिन हम कनेक्ट असुरी शक्ति की तरह है ना, कनेक्ट ना कुछ भी हुआ, अरे तांत्रिक मांत्रिक कहाँ गया, ऐसे ही करते थे हम लोग, कहाँ गए, हमारे भी घर में वो ऐसा पूरा शैतान और इधर उधर, हमारे मामा जी को मालूम है ये कोई ना कोई, मैं बहुत छोटा था, कोई ना कोई तांत्रिक मांत्रिक लेके आता था, कुछ भी हुआ घर में के लेके आ जाते थे, ठीक है। और ऐसा ही था, तांत्रिक मांत्रिक हमारे मार्ग में एक वानखेड़े जी करके हुए, वानखेड़े जी, तो मैं जब छोटा था इधर उधर आते थे, मैं उनको पूछता था कि भाई, वो बोला आपके पास कितने मंत्र थे, तो बोले धांडे जी बापू बोलते थे, बापू बोले मेरे पास 750 खंड थे, बोले मुझे नहीं मालूम क्या थे, कितने खंड थे, 750 खंड थे बोले, और मैं जिंदा आदमी को मार सकता था बोले, उड़ते हुए पंछी को गिरा देता था बोले, और ऐसे मैंने कई लोगों को मारा बोले, ठीक है। तो मुझे बाबा ने बोला था बोले कि वानखेड़े जी जब उन्होंने बाबा के ऊपर वार किया 1 2 3 उसके वार नहीं चले, तो असुरी शक्ति दिव्य दृष्टि के पास दिव्य दृष्टि को नहीं चलती। हमने सिद्धि नहीं किया इस मार्ग में, बाबा ने हनुमान जी की सिद्धि किया, लेकिन उससे रंगारी समाज के भाई के दुख दूर नहीं हुए, उसके बाद बाबा ने भगवान की प्राप्ति किए, जो भगवत प्राप्ति को हम मनाते हैं, जो अभी हमने हवन किया, ठीक है ना। तो बापू बोले बाबा ने कैसे आपने वो खंड, क्योंकि ये नशा है असुरी को, कैसे आपने किया, तो बोले मैंने कनान नदी में एक खंड बोलता था और डुबकी लगाता था, एक खंड बोलता था डुबकी लगाता था, अभी मुझे नहीं मालूम उन्होंने डुबकी लगाया करके, नहीं वो बता रहा था 750 डुबकी लगाया बोले मैंने, है ना। तो ये जो तांत्रिक मांत्रिक वाली जो विद्या है, इस प्रकार की जो असुरी विद्या दूसरे का घात करती है, बराबर है, दूसरे का घात करती है, और जो दूरदृष्टि वाले वो दूसरों को प्रभावित करते हैं। ओ गणेश आजा इधर, तुम्हारी चिट्ठी देखो, तुम सवेरे उठे थे, सवेरे चावल खाए थे, तुम्हारे मन में क्या चल रहा था, बराबर है। ये है दूरदृष्टि, बाबा के पास दिव्य दृष्टि थी, क्या दिव्य दृष्टि थी कि जो मेरे पास है वो तुम्हारे पास है, ये तालिबे मंजिले तू मंजिल की दर देख, अरे अपने आप में डुबकी लगा दो बोले बाबा, तुम्हारे भगवान तुम्हारे पास है, जो मेरे पास है वही बोल रहा है, जो तुम्हारे पास है वो सुन रहा है, ऐसा परमात्मा डुबकी लगा दो बोले, है ना। तो ऐसा परमात्मा बाबा ने हमको बताया है, तो ये जो दिव्य दृष्टि बाबा ने हमको दिया है, ये दिव्य दृष्टि का जो प्रसाद हमारे ऊपर आ रहा है, हमारा पात्र हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो मानव मंदिर सजाना हमें हमारे ऊपर काम करना है, बीबी को बोलना है कि तुम अपने ऊपर काम करो, बच्चों को बोल रहे हैं तुम अपने ऊपर काम करो, बच्चे को बदलाओ मत, कई पेरेंट्स उसके पीछे लग जाते, तू बैठक लग जा, तुम झूठ बोलते, तेजते स्थान पर तुम बैठक होने के लग रहे, ऐसा नहीं होगा उनको, ठीक है। आपकी इच्छा आपका भाव है अच्छा है, तरीका बदलाना पड़ेगा उनके लिए ना, बच्चों को बताना पड़ेगा कि तू कौन है, तेरी ताकत क्या है, तू क्या कर सकता है, तेरे अंदर में क्या ऐसे है, तू क्यों इस धरती पे आया है, बार बार बोलते भगवान को। तो आत्मा के बाद भी परमात्मा है, जो दृष्टि हमें बदलाना पड़ेगा, और इसलिए सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मी है, और मरिया जी भगवत नाम पर ये चार तत्व हमारा भगवत प्राप्ति के लिए है, तीन शब्द हमारे 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 लिए है कि हम दोस्त बने, भगवान के दोस्त बने। दोस्त की कौन बनता है, अगर काटे कर दो शराबी दोस्त बनते, अच्छे दोस्त बनते कि नहीं बनते, क्योंकि वो दोनों शराब पीते हैं, दोस्त शराबी हमारा दोस्त बन सकता है क्या, सेवक का दोस्त शराबी बन सकता है क्या, नहीं बन सकता, लेकिन मेरे और काटेकर भाव के विचार जुड़ गए तो मैं इनका दोस्त, बरगनी विचार पड़ गए तो दोस्त,
बरेगी। तो भगवान के विचार है सत्य मेरा प्रेम, तो बाबा भगवान के दोस्त थे। क्यों? तो बाबा बोलते थे, बाबा को जब बोला कि मैं मानव पर विश्वास नहीं रखता, मानव है बेईमान है, और बाबा ने उसका जवाब दिया ईमान 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 के लिए किसी ने बोला कि सोने वाले का दुकान छोड़ दिया, ठेकेदारी छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, छोड़ते गए छोड़ते गए छोड़ते गए, क्योंकि बाबा भी संसार में रहते थे। कई बार बाबा को भी कई लोगों ने बुरा बोला होगा उस समय, क्या नहीं बोला होगा, बाबा भी बोलते थे आप जैसे थे वैसे मैं भी था, लेकिन बाबा ने अपने ईमान को छोड़ा, मुझे भी कुछ बुरा बोल सकते हैं, किसी ने बोला होगा, आपको भी किसी ने बुरा, लेकिन आपने ईमान को पकड़ा, अपने तत्व शब्द नियम को पकड़ा, एक दिन तो बारी है परमात्मा आपका हाथ पकड़ लेगा और ऐसा झटके से बाहर निकल लेगा। कई अनुभव है काटेगा वो बताएंगे आपको, कई ऐसे अनुभव उनके पास में आपके पास में होंगे, भगवान झटका भी नहीं लगने देता, झटका भी, कोई बोला रे 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 गया 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 और आपको दिख रही है अभी तो गया था अभी आ गया, ठीक है ना, ये उसका झटका होता है, आपके व्यवहार में हो सकता है, आपके जीवन में हो सकता है, किधर भी हो सकता है। तो बाबा ने ऐसा जीवन जिया, वही पूरा का पूरा हमको दिया। अभी पुण्यतिथि आने वाली 3 अक्टूबर को, बरवे जो बाबा शरीर से गए, शरीर से गए, श्री दिव्य दृष्टि जिनको होती है वहां वो व्यक्ति नहीं बोलता, वो भगवान बोलता है, बाबा नहीं बोलते थे भगवान बोलता था, और भगवान का बाबा का परिचय किसी सेवक ने नहीं दिया, सेवक ने दिया था, बाबा का परिचय भगवान ने दिया कि सेवक भगवान बन गया, बाबा का धड़ से भगवान का सिर, भगवान का सिर बाबा का धड़ एक हो गया, बोले बाबा भगवान बन गया। अभी हमने तो भगवान को नहीं देखा, बाबा ने 3 महीना पूरे ब्रह्मांड में एक किया, अंदर में भगवान देखा और ब्रह्मांड में भगवान देखा, एक किया देखा। अभी हमारी बारी है और हमारा परिचय बाबा देंगे कि काटेगर जी कौन है और जयदेव दांडे कौन है। ये तीसरा बंदा उठ के नहीं बोलेगा कि मेरे को मालूम है जयदेव दांडे क्या है, इसको बहुत जानता हूँ मैं, ठीक है ना, तू जानता है भाई, है ना, लेकिन बाबा हमारा परिचय देंगे, हमें बाबा के सामने दृष्टांत रखना है ना, बाबा परिचय देंगे और यही हमको करना है, क्योंकि बाबा बोलते थे कि कोई भी सेवक ये ना समझे कि बाबा नहीं देख रहे, बाबा का उमृत का मार्गदर्शन है, कोई भी सेवक ये ना समझे बोले बाबा नहीं देख रहा है, बाबा सबको देख रहे हैं, क्योंकि बाबा के आत्मा का टच हर सेवक के आत्मा से है, बोले जिसने मरने का वचन दिया है, ठीक है ना, और इसलिए भगवान हमारे छोटी सी मदद करता है, ज्यादा मदद नहीं करता, सेवक को कितनी मदद करता है, कुछ उनसी मदद करता है, बाबा को भगवान पूरी मदद करता है, क्योंकि बाबा विचारों से पूर्ण है। इसलिए दिन रात इस मानव मंदिर को सजाने के लिए समय दो, बच्चा करेगा अपना काम। मैं तो सबको वही बताता हूँ, कई लोग मुझे फोन करते बच्चा नहीं सुनता, बोला तू सुनता है कि अपने दिल की, तू सुन पहले अपनी, बच्चा अपने आप सुनेगा, बीबी अपने आप सुनेगी, और तुम ज्यादा बीबी को सुधारने की कोशिश करेंगे ना और ज्यादा गड़बड़ हो जाएंगी, तेरा भी दिमाग खराब उसका भी दिमाग खराब, लेकिन सब लोग एक दूसरे को समझाने में लगे हैं, बोले बीबी सुधरेंगी तो मेरा परिवार बढ़िया हो जाएगा, और बीबी को लगता है मेरा पति जो सुधर जाएगा तो एक नंबर काम जी, ये तो देखने ही, सास को लगता है मेरी बहू अच्छी हो जाएगी ना, अरे क्या बाप रे बाप, भगवान ही भगवान, और बहू को लगता है मेरी मेरी सास अच्छी हो गई ना, अजी मने हे माझी गुड़गी चांगली झाली ना, मने काय चिंता नहीं, तो ये चेंज करना पड़ेगा, इस भाव को अपने तरफ अपने तरफ अपने तरफ और गहराई में और गहराई में और गहराई में और गहराई में, इतना आनंद है, इतना आनंद है जो बाबा चुनदेव जी जिए, इसलिए जब 3 अक्टूबर के बाबा की वो यात्रा निकाली, अंतिम यात्रा जिसको हम बोलते हैं, है ना, इतने लोग रो रहे थे जो कभी अपने बाप के लिए कोई रोया नहीं होगा, है ना, इतने रो रहे थे, कोई तालियां ताल बजा रहे थे, कोई बोल रहे थे जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा बाबा का, और मुझे लगता है अंतिम यात्रा हर किसी का ऐसी होना चाहिए, है ना, ठीक है ना, तो ऐसे ही इस मार्ग के मार्गदर्शक इल्मेताई और भी कई लोग हैं जो इस प्रकार की जिंदगी जिए, और ये जो अंतिम यात्रा जो सेवक ने बाबा को पूछा था, बाबा बोले तुमने इतनी भगवान की प्राप्ति किया तो क्या मिला, बोले आपको बोले है ना घर, क्योंकि बाबा का उस समय घर छोटा सा ही था, और डॉक्टर मनु ठुबरीकर के लिए घर गहन रखा था बाबा ने, डॉक्टर उनको अमेरिका भेजने के लिए, तो इस अवस्था में बाबा का घर था, लेकिन बाबा ने बोले, बाबा बोले हम धन को महत्व नहीं देंगे, बोले हमने भगवान को महत्व, और हमने औरों को शांति दिया तो भगवान हमें शांति देंगे, इसके बाद भगवान के पास जाना है, बोले वो सेवक बोला बाबा आपने क्या कमाया, बोले क्या है, बोले आपके पास में, अरे अरे अरे, बोले तू ले बाबा का धन मालूम नहीं, बोले
अरे तुझे बाबा का धन देखना है तो अंतिम दिन देखना, बोले मेरा धन, बोले कि नहीं, अंतिम दिन। और जो जो लोग बाबा के अंतिम यात्रा में थे, क्या लोग थे, लोग ही लोग, पूरा नागपुर हिल गया कि ये महात्मा इधर ही था, किसी को पता ही नहीं। हार ही हार, कई ट्रक हार से भर गए। कई लोग बोल रहे जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, कोई रो रहा है, कोई भजन बोल रहा है, और वो माहौल, वो गंगा भाई घाट, चंदन के लकड़ियों से उनका शरीर इतना घिसाया बाबा ने, चंदन के शरीर, और वो शरीर को भी महत्व आ गया, बाबा के मन को महत्व आया, बाबा के काया को महत्व आया, बाबा के आत्मा को महत्व आया। ये है जीवन, बराबर है नहीं, इसको बोलते जीवन। ये अमृत में जीवन जो हम बाबा हमें छोड़ के गए हैं, ये बहुत दुख भरी, क्योंकि वो जो कुछ समय मिला था हमारे मातोश्री आई वाराणसी। ये स्त्रियों का बहुत बड़ा महत्व होता है, जो जीव आत्मा बड़ी पावरफुल होती है वो स्त्रियों में बहुत होती है, बहुत होती है, इनको संभालना। जिस घर की स्त्री जितना ज़्यादा दुखी रहेगी वो परिवार बहुत परेशान रहता है, समझ में आया ना, बहुत परेशान। इसलिए लड़का जब कोई किसी की मानता नहीं ना, मालूम है आपको क्या बोलते हैं हमारे पुराने लोग बोलते थे, मैंने आयकत नहीं आता लग्न करा, मैंने तो लग्न लौड़ा सरड़ छुती मैंने, बरबर। अरे माँ बाप को जो नहीं बच्चा सुनता था वो बोला किसी लड़की के हाथ में दे दो, शादी हो तो सीधा हो जाएगा, बोले ऐसा खुट्टी में बांध देती है स्त्री, बरबर कि नहीं। तो कहने का मतलब कि स्त्री में बहुत ताकत है, ये ताकत है कि आप भगवान को भी जन्म आपने ही दिया है, बाबा भी तो सरस्वती माँ के पेट से आए, बरबर कि नहीं। ये ताकत स्त्रियों में है, और मानव धर्म की एक बड़ी सुंदर, आदमियों की संख्या कम रहती है बैठक में, भाइयों की संख्या ज्यादा रहती है। मैं जा भी जाता हूं इन्हीं की संख्या ज्यादा दिखती है। आप बोलेंगे बहुत खाली पीली रहते हैं, ये खाली पीली नहीं रहते हैं ना, बहुत काम रहता है ये, अगर दो दिन घर में नहीं रहे। मैंने देखा, मैं भी कभी बोलता हूं मेरे बीबी को, मतलब तू तो गरीब रहते क्या करते माइक नहीं, लेकिन मैं कई बार जब अनुभव करता हूँ कि वो अपने माइके चली जाती है, मुझे समझ में आता हम तीन लोग हैं, वो जो करती दिन भर इतना पसारा, हम जूते इधर, कपड़े इधर, वो बर्तन इधर, वो मोंग से लग जाते बर्तन को, रो नहीं रहे। तब हमें उसका इम्पोर्टेंट समझ में आता कि घर स्वच्छ रख सकती है, परिवार को अच्छी दिशा दे सकती है। बस आप अपना दिमाग अच्छा रखो, आप अपने आप में शांति को अनुभव करो। बहुत बड़ा, क्योंकि बाबा आई को शक्ति बोलते थे, बोले शक्ति चली गई व्यक्ति रह गया, बोले है ना। आपका महत्व देखो, मेरी सेविका सती अनुसया से कम नहीं, बोले। और ये भाग्य है कि आपकी मार्गदर्शिका भी एक स्त्री है, इल्मे ताई है, जिन्होंने बहुत दुख से, बहुत परेशानियों से, और आपको जिस प्रकार से वो मार्गदर्शन करते हैं, ये आपका भाग्य है, ये भाग्य है आपका। तो इस प्रकार से ये भाग्य का जीवन बाबा ने दिया, जन्म मृत्यु तय है, इसके बीच में कैसा जीना ये पन्ना हमको लिखना है, वो भी आपको सोचना नहीं। तत्व शब्द नियम दीने हैं, दिन भर आईने में देखना, लिखते जाना, आईने में देखना, लिखते जाना। जैसे भाई होते ना, पंकज शादी में जाते गए तो 10 बार लिखते आई ना, बरबर वैसे देखते रहने का, लिखना का ये सुंदर मार्ग है। इतना बोलकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।